नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जालौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। लव जिहाद के खिलाफ हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों को फांसी की मांग। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आज मुजफ्फरनगर में लव जिहादियों के खिलाफ विरोध प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदू महासभा ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें हिंदू महासभा ने 5 मांगे भारत सरकार से की, जिसमें सर्वप्रथम लव जिहाद करने वालों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाए, नंबर 2 लव जिहादी का केस लड़ने वाले अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए क्योंकि देश के गद्दारों का साथ देने वाले भी देश के गद्दार होते हैं, नंबर 3 भारत में सभी मदरसों पर बैन लगाया जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए क्योंकि इन्हीं मदरसों से यह जिहादी पैदा होते हैं, वह लव जिहाद के परिवार रिश्तेदारों एवं उनके सहयोगियों पर भी मुकदमा दर्ज कर फांसी पर चढ़ाया जाए, नंबर 5 लव जिहादियों को फंड देने वाले महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, अनेक ऐसी पार्टियां हैं जो इन्हें फंड देती हैं, उन सभी पर आजीवन प्रतिबंध लगे, भारत में उनके द्वारा कोई भी संगठन संचालित ना हो। आज प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए के खिलाफ कार्यवाही करने का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन लेने आए नगर मजिस्ट्रेट हिंदू महासभा को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को यह ज्ञापन जल्दी मान लें, प्रधानमंत्री को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में लव जिहाद कैंसर का रूप धारण कर चुका है, जिसका इलाज करना जरूरी है। इस प्रकार उलासपुर हैदराबाद में रेप करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सरेआम गोली से उड़ा दिया था, उसी प्रकार वह लव जिहाद को भी गोली से उड़ा देना चाहिए। इसी यदि इस प्रकार इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो यह लोग लव जिहाद को भूल जाएंगे, इनके फंड देने वाले आका ऊपर भी इसी प्रकार की कार्यवाही हो, उन्हें भी सरेआम चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र मित्तल, जिला प्रभारी सचिन कपूर जोगी, जिला अध्यक्ष शशांक त्यागी, विधि प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष एडवोकेट महामंत्री सोना सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष सिंह तुषार पाल, मोनू पाल, संदीप सैनी, वंश गोयल, शिवा सैनी, अंकुर कुमार, राकेश कुमार कश्यप, सागर कश्यप, विपिन मोनू एवं जिला प्रवक्ता सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। योगेंद्र वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। योगेंद्र जी, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पूरे प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक तरह से उग्र प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि ये एक भयंकर बीमारी का रूप धारण कर चुकी है। लव जिहाद एक कैंसर बन चुका है जिसका इलाज अनिवार्य है, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की, कहीं की भी घटना हो, लव जिहादी एक तरह सिर उठा रहे हैं और इनका सर हमें कुचलना होगा। सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और यूपी में भी बीजेपी की है, हरियाणा में भी जहां है वहां भी बीजेपी की सरकार है और सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, और आप खुद सरकार के अनुयायी है, क्या कहना चाहते हैं सरकार? ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार होते हुए भी लव जिहादी अपना सर उठा रहे हैं। इनका सर कुचलने के लिए हमारी सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे। हमने 5 मांगे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से रखी है, जिनमें से सर्वप्रथम है कि जब जो भी लव जिहाद करता है उसे सरेआम गोली से उड़ाया जाए। यदि 1-2 को इस तरह गोली से उड़ा दिया जाएगा, पहले भी एक हैदराबाद की घटना हुई थी जहां पे रेप करने वालों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया था, उसके बाद वहां रेप की कोई घटना हुई, तो ऐसा ही यूपी, हरियाणा और राजस्थान में करना होगा कि लव जिहादियों को सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जो भी लव जिहादियों का केस वकील लड़ते हैं उन वकीलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लव जिहादियों का साथ देकर वे देशद्रोह का कार्य करते हैं, तो देशद्रोह का कार्य करने वाले वकीलों का भारत में कोई जगह नहीं है। तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी भारत में मदरसे हैं जहां पर ये आतंकवादी लव जिहादी पैदा होते हैं उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि यदि ये मदरसे बंद कर दिए जाएंगे ना तो कोई आतंकवादी आएगा ना ही कोई लव जिहादी। चौथी हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में संचालित जितने भी इनके फंड देने वाले संगठन हैं उन्हें तुरंत प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि लव जिहादियों को मोटे रूप से फंड दिया जाता है जिसके दम पर ये कार्रवाई करते हैं, और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इन लव जिहादियों का साथ देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कल मुजफ्फरनगर में पेश आया। भोपा रोड पर एक लड़की का अपहरण किया गया और पुलिस ने उनका धाराओं में चालान किया, केवल छेड़छाड़ की घटनाओं में चालान किया, जिससे सिद्ध होता है कि पुलिस भी इन लव जिहादियों का साथ देती है। कुछ भ्रष्ट जो प्रशासनिक अधिकारी है वे इनका साथ देते हैं, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है। क्या चाहते हैं अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? हिंदू महासभा प्रदेश या केंद्र सरकार से मांग करती है कि लव जिहाद पर कठिन से कठिन कानून ना जाए, फांसी तक का प्रावधान इसमें किया जाए।